चुनाव आयोग ने देश की राजनीतिक पार्टियों के चंदे का हिसाब किताब जारी किया है। चुनाव आयोग ने साल 2021 और 2022 में राजनीतिक दलों को मिले चंदे का हिसाब जारी कर दिया। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान बीजेपी को 614 करोड़ रुपए 53 लाख रुपए का चंदा मिला। ये चंदा देश के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को मिले चंदे के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी को 95 करोड़ 46 लाख रुपए का चंदा मिला। पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी को साल 2020-21 के दौरान 477 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जबकि कांग्रेस को 74.7 करोड़ रुपए मिले थे। यानी इस साल दोनों पार्टियों के चंदे में 28-28% की बढ़ोतरी हुई है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बाकी दलों को कितने रुपए मिले। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस को 2021-22 के दौरान चंदे के रूप में 43 करोड़ रुपए मिले, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 2021-22 के दौरान 44.54 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले हैं। साल 2020-21 के दौरान सीपीआईएम को 12.8 करोड़ का चंदा मिला था, जबकि इस साल यह आंकड़ा 10.5 करोड़ का है। इस तरह से पार्टी को 21.7% का नुकसान हुआ। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा चंदा हासिल करने के मामले में तीसरे नंबर की पार्टी है और उसे 57.9 करोड़ रुपए मिले, जबकि एनसीपी को पिछले साल 26.2 करोड़ रुपए ही मिले थे। पिछले साल की तुलना में एनसीपी को 120% की वृद्धि हुई है। चुनाव आयोग के मौजूदा नियमों के मुताबिक देश के सभी राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से ज्यादा वाले सभी चंदे का हिसाब किताब देना होता है। साथ ही राजनीतिक दलों को आयोग के समक्ष इस बारे में रिपोर्ट भी देनी होती है। व्यक्तियों और संस्थाओं के अलावा चुनावी ट्रस्ट भी पार्टियों को फंड दिया करते हैं। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट सहित इलेक्टोरल ट्रस्टों का बीजेपी की किटी में मेन योगदान रहा है। साल 2018 में चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की शुरुआत के बाद से अब तक सबसे ज्यादा बॉन्ड मुंबई में बिके। इसके अलावा कैशिंग में दिल्ली पहले नंबर पर है। आरटीआई में ये बड़ा खुलासा हुआ है। रिटायर्ड कॉमोडोर लोकेश बत्रा की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आरटीआई दायर की गई थी। इसके जवाब में एसबीआई ने 23 नवंबर 2022 को ये आंकड़े जारी किए। बीते महीने चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर लगाम लगाने की सिफारिशें की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू को चिट्ठी लिखकर जनप्रतिनिधि अधिनियम में कई संशोधनों की सिफारिश की थी। इस चिट्ठी में ये कहा गया था कि राजनीतिक दलों को नगद चंदे के रूप में 20% या 20 करोड़ जो भी कम हो वो अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।